हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो क्लास 10 एनसीईआरटी न्यू एडिशन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पार्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज मोर थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ऑन दैट डे। सबसे पहले यहाँ जो आपको दो लाइन गिवन है ना, इनसे आपको कुछ चीज़ें एज्यूम करनी है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज रुपीज 90, सो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। सो बच्चा यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बताना है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में ऊपर ही गिवन था, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स, राइट? और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की बात करते हैं, अगर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो गया आपका, देखिए सेकेंड लाइन देखिए, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर दिन में ऑब्जर्व किया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ईच आर्टिकल का, यानी कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है, थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यानी कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमने माना एक दिन में एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो इसका ट्वाइस करके थ्री मोर देन है कॉस्ट ईच आर्टिकल की, राइट? तो यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है, 2x+3 है, ठीक है ना, थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आती है थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, राइट? तो थ्री मोर देन हो गया, ट्वाइस हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स का, ठीक है, जितने भी एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑन दैट डे वॉज रुपीज 90, ठीक है, एक दिन में, या फिर उस दिन की बात कर रहे हैं कि जो टोटल कॉस्ट हुई है प्रोडक्शन की वो कितनी लगी है, 90 रुपीज़ लगी है। बच्चा एक चीज़ देखो, अगर आप एक पेंसिल खरीदने जाते हो, ठीक है, वन पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 5 है, सो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, या फिर मैं 6 पेंसिल की कॉस्ट लेती हूँ, 6 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 5 है, तो 6 ही कितनी होगी, 6 × 5 दैट मीन्स 30 होगी, राइट? सेम यहाँ पे अगर आपकी वन आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, वन आर्टिकल की कॉस्ट है आपकी 2x+3, सो एक्स आर्टिकल की कॉस्ट बच्चा कितनी हो जाएगी, x × 2x+3। कंसेप्ट क्लियर है, एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x+3 है, तो एक्स आर्टिकल की कितनी हो जाएगी, x × 2x+3। सो इस एग्जांपल से हमने इस चीज़ को समझाया है, अच्छे से समझ आया ना? वीडियो लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी के लिए हेल्पफुल हो, ओके? सो यहाँ पे आपसे पूछा है वो जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 90 है। सबसे पहले हमने जो कैलकुलेट किया है एक्स आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो किसे, x × 2x+3, ठीक है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू भी दे दी है, वो बोलता है कि वैल्यू रुपीज 90 है, कितनी है, 90 है। इसको ना आप रुपीज में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये रुपीज में आपको गिवन है यहाँ पे, इन रुपीज, राइट बच्चा? तो ये आपको किस, ये कितनी, ये बता दिया कि इनका जो प्रोडक्शन की जो वैल्यू है, टोटल कॉस्ट जो है वो 90 है, ये भी बता दिया। और अगर हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, x × 2x+3 आएगी। सो इसको सॉल्व करना है, 2x² + 3x - 90 = 0। 90 × 180 के ऐसे फैक्टर कीजिए जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है आपका, 3 आए, ठीक है। सो चलिए करते हैं, 2 × 9 = 18, राइट, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 and 5 × 1 = 5। चलिए फैक्टर कीजिए, ऐसे फैक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है, 3 आए, 5 × 3 = 15, राइट, एंड 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो 15 − 12 कितना आ गया, 3 आ गया, और 15 × 12 कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो 2x² + 15 − 12 × x − 90 = 0, सो 2x² + 15x − 12x − 90 = 0। कंसेप्ट क्लियर है ना बच्चा इतना आपका? देखिए हर चीज़ मैंने ना स्टेप बाय स्टेप आपको समझाई है, कहीं भी आपको रटने की किसी तरीके से जरूरत नहीं है, इजीली सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या कॉमन आता है, x, तो क्या बचेगा,
2x plus 15. यहाँ पे क्या कॉमन आता है, माइनस 6 कॉमन आता है, तो क्या बचता है 2x, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 6 बंद 6 एंड 6 5 जा 30, राइट. नाउ यहाँ से 2x plus 15 आपका कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x minus 6 equals to 0. When we put 2x plus 15 equals to 0, then x equals to minus 15 upon 2. When we put x minus 6 equals to 0, then x equals to 6. बच्चा ध्यान रखना, दो वैल्यू आई है x की, लेकिन एक वैल्यू क्या है, नेगेटिव है. दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में नहीं होंगे. दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है, तो x इक्वल्स टू 6 क्या होगी, आपकी वैल्यू होगी, दैट मीन्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना आ गया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारा आ जाता है 6, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल equals to 2 into 6 plus 3, 6 to the 12 plus 3, it means 15, या फिर कहेंगे rupees 15, because value किसने दी है, rupees में given है, तो number of articles कितना आ गया, 6 आ गया, cost of each article कितना आ गया, rupees 15 आ गया, this is the solution. So बच्चा इस तरीके से पूरा question ही आपका solve हो जाता है. समझ आया, video तक like नहीं किया जल्दी से कीजिए, सभी friends को share कीजिए, channel पर नए channel को subscribe कर लीजिए, जिससे सभी videos के notifications आपको मिलते रहें. Science के, SST के notes चाहिए, computer के notes चाहिए, channel पर सभी available है, easy language में available है, सब चीज़ें आप देख सकते हैं, okay? So I hope ये सब आपको helpful रहे. मिलेंगे next video में. Bye-bye. Take care. Thank you.